हेलो बच्चों, आज आ गए हम लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड का 10वें लेक्चर पे। और आज फर्स्ट चैप्टर का लास्ट है। 9वें लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की, और हमने निकाल लिया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, हम पढ़ चुके थे ये पिछले लेक्चर में, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट फोर्स कितना लगता है, जीरो। क्या लगता है, बलाघूर्ण टॉ। और जिसका फॉर्मूला आ चुका था PE साइन थीटा, बल जीरो लगेगा। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर आरोपित परिणामी बल शून्य होगा और उस पर बलाघूर्ण लगेगा PE साइन थीटा, जिसको हमने ये भी कहा था वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो आपके पास पूछा जाता है कि अगर कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर आरोपित बल एवं बलाघूर्ण क्या होगा, तो बल जीरो होगा और बलाघूर्ण होगा PE साइन थीटा। अब बात करते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, ये कंडीशन समझिए, आपसे पूछा जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम मैक्सिमम कब होगा, जो टॉर्क है वो मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी। तो देखिए, टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, बलाघूर्ण पी, पी मतलब आवेश और बीच की दूरी नियत होगी, विद्युत क्षेत्र नियत होगा, तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी एंगल की, एक, तो इसका मतलब हो गया कि थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कहने का अर्थ यह है कि जब थीटा 90 होगा तब बल आघूर्ण अधिकतम होगा और कितना होगा, टॉ इक्वल टू पीई, थीटा की जगह 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो 90 डिग्री के केस में जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, 90 डिग्री पर होगा, तब उस पर आरोपित बलाघूर्ण का मान, यह अधिकतम बलाघूर्ण है, इससे ज्यादा नहीं होगा, उस पर आरोपित बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। 90 डिग्री का केस डायग्राम से बताएं। यह था हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, 90 डिग्री कब बनेगा, ये रख दिया द्विध्रुव, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो पी की दिशा किधर हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस, तो पी की दिशा ये हो गई, ई वेक्टर की दिशा ये हो गई, थीटा कोण किस किस के बीच का, पी और ई के बीच का, पी ऊपर ई इधर, कितने का कोण बन गया भैया, ये 90 डिग्री का। कहने का अर्थ यह हुआ जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच कोण 90 होगा, तो बलाघूर्ण का मान अधिकतम होगा। और ज्यादा डीपली समझाऊं तो प्लस माइनस 1 पे भी काम चल जाता है, माइनस 1 का मतलब 270 डिग्री, या तो 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तब भी बलाघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। 90 डिग्री तो समझ ही गए, ये माइनस ये प्लस, बलाघूर्ण की दिशा नीचे से ऊपर, कितने का कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बनता है विद्युत क्षेत्र से, तो 90 डिग्री का ये एंगल है, तो बलाघूर्ण की मान मैक्सिमम। आप सोचोगे सर 270, 270 का मतलब ये होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, विद्युत द्विध्रुव को उल्टा कर दिया, दिशा पी वेक्टर की कहां होगी, माइनस से प्लस, ये दिशा होगी, कोण देखो 90, ये 90, ये और 90, ये टोटल कितना हो गया 270 यहां से लेकर यहां तक, तो 270 ये दिशा, ई वेक्टर की ये दिशा,
तब भी बलागुण का मान क्या होगा? अधिकतम। माइनस प्लस मैक्सिमम वैल्यू पी होगी, प्लस माइनस का फर्क केवल डायरेक्शन का है। 90 डिग्री का मतलब डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ई वेक्टर ये टोटल 90 डिग्री, और 270 का ये। तो कहने का मतलब जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा तब उस पर आरोपित बलागुण का मान अधिकतम होगा। 90 डिग्री में होगा तो बलागुण मैक्सिमम होगा। अब अगर आप पूछते हो कि सर बलागुण का मान न्यूनतम कब होगा, अधिकतम तो देख लिया, 90 डिग्री के केस में बलागुण की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम का केस देखते हैं। टॉ की वैल्यू अगर आपको मिनिमम, मिनिमम का मतलब हो गया जीरो चाहिए, तो इसका मतलब टॉ किस पर डिपेंड करता है? फॉर्मूला ये था टॉ का, पीई साइन थीटा, टॉ डिपेंड ऑन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी? मिनिमम, मिनिमम का मतलब जीरो, और जीरो कब होता है? जीरो दो केस में होगा, या तो जीरो डिग्री हो या 180 डिग्री हो, 180 का मतलब पाई। तो थीटा की वैल्यू या तो जीरो डिग्री हो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, या थीटा की वैल्यू 180 हो, पाई हो, तो साइन पाई की वैल्यू भी जीरो। तो मिनिमम किस केस में होगा? जब थीटा जीरो या 180 हो, और इस केस में टॉ कितना होगा? टॉ इक्वल टू पीई, चाहे साइन जीरो डिग्री लगा दो चाहे साइन 180 लगा दो, दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा? जीरो। कहने का मतलब यह हुआ कि बलागुण का मान अधिकतम होता है 90 डिग्री या 270 डिग्री पर, बलागुण का मान न्यूनतम होता है 0 डिग्री या 180 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब है जब P और E एक ही दिशा में होंगे। थीटा कोण होता है P और E के बीच का, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही दिशा में होंगे, थीटा 0 होगा, उस पर बलागुण नहीं लगेगा। 180 डिग्री का मतलब जब P और E विपरीत होंगे, एक दूसरे के ठीक विपरीत होंगे, तब भी उस पर बलागुण आरोपित नहीं होगा। ये इंपोर्टेंट कंडीशन है, ये वाली 0 और 180 वाली इंपोर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि तुमने अब तक पढ़ा था कि अगर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो बल 0 होता है, और अब यहां अगर ये कंडीशन लग गई तो देख रहे हो बलागुण भी कितना है? 0। यानी कि जरूरी नहीं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में सदैव बलागुण लगे, सदैव नहीं लगेगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो गई तो बलागुण भी क्या हो जाएगा? जीरो। कंडीशन 0 डिग्री या 180 डिग्री, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको समझाएं। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर की दिशा, और ये हमने इसमें रख दिया विद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिडिल पॉइंट हो गया। तो देखो पी वेक्टर की दिशा, पी वेक्टर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो ये दिशा हो गई पी वेक्टर की। ई वेक्टर की दिशा भी इधर, दोनों समान दिशा में हैं, तो थीटा कितना होगा? जीरो। ये थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाली कंडीशन है। P और E, P की दिशा माइनस से प्लस, ऋणावेश से धनावेश की ओर, E की दिशा चित्र में प्रदर्शित है, दोनों समान दिशा में हैं, तो थीटा जीरो होगा, और थीटा जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? जीरो। यानी कि यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर आरोपित नेट बल भी शून्य होगा और बल आघूर्ण भी शून्य होगा, दोनों शून्य होंगे। क्यों? देखिए प्लस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो बल इस तरीके से लगेगा, एक ही क्रिया रेखा पे लगेगा, तो नेट बल कितना हो गया? जीरो। और बलागुण भी देख रहे हो कितना हो गया? जीरो। तो आपके पास कंडीशन हो गई कि थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री होगा तो टॉ भी जीरो होगा और एफ भी जीरो होगा, दोनों जीरो होंगे, बल और बलागुण दोनों जीरो होंगे। एक चीज और पढ़ते हैं, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी द्विध्रुव पर नेट बल शून्य, बलागुण पीई साइन थीटा, थीटा पी और ई के बीच का कोण होता है जिसे हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर शो कर सकते हैं, अधिकतम वैल्यू कब मिलेगी? 90 डिग्री पर जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तब कितनी होगी? टॉ बराबर पीई। न्यूनतम वैल्यू मिलेगी 0 या 180 पर जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा या विपरीत होगा तब, और उस समय बलागुण कितना होगा? जीरो।
जीरो डिग्री और 180 की बात थोड़ी सी और डिटेल में करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र जानते ही हो, समांतर समान दूरी पर रेखा से शो कर दो। देखिए यह है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाली कंडीशन। जब विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर दिशा है पी वेक्टर की, ये दिशा होगी, ई वेक्टर की दिशा इधर है ही, तो थीटा जीरो है। इस स्थिति में हम पढ़ चुके हैं कि बलाघूर्ण जीरो होगा, बल भी जीरो होगा, नेट बल। क्यों? धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्यू ई बल लगेगा इधर, और ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस पर भी क्यू ई लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों के परिमाण बराबर हैं, दिशा विपरीत है, तो नेट बल कितना होगा? जीरो। थीटा है ही नहीं इसमें, तो बलागुण भी क्या होगा? जीरो। बलागुण का मतलब ये घूम नहीं सकता, ये इसको स्ट्रेस कर रहा है, ये बल इसको खींच रहा है, पर ये घूम नहीं सकता, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही है। तो थीटा इक्वल टू जीरो पर नेट बल जीरो हो गया, टॉ जीरो हो गया। इस स्थिति को कहते हैं साम्य अवस्था की स्थिति, साम्य अवस्था। यही कहानी इधर है, यह है थीटा इक्वल टू 180। यहां भी देखिए 180 क्यों? बलागुण की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस, ई वेक्टर की दिशा इधर, दोनों जस्ट विपरीत, थीटा 180, नेट बल कितना? जीरो। बलागुण कितना? जीरो निकाल चुके हैं। धनावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्यू ई। ऋणावेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्यू ई। ये इधर चाहेगा, ये इधर चाहेगा, दोनों एक दूसरे को दबाएंगे, इसको प्रेस कर सकती है, ये बल इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, तो ये घूमने की तो कोई स्थिति है ही नहीं, ये इसको दबा सकती है, घूम नहीं सकता, तो इसको भी कहते हैं किसकी? साम्य अवस्था की स्थिति। घूम नहीं सकता, घूर्णन गति नहीं कर सकता, ये भी साम्य अवस्था की स्थिति, यहां भी घूर्णन नहीं हो सकता, ये भी साम्य अवस्था की स्थिति, यहां भी घूर्णन नहीं हो सकता, ये भी स्थिर है, यहां भी स्थिर है। अब जरा एक चीज सोचें, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इस द्विध्रुव को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, अपनी तरफ से हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? घुमा दिया, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसको, स्लाइटली अपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, तो थोड़ा सा घुमाने पर ये क्या होगा? ये और घूमेगा कि वापिस यही आ जाएगा? देखते हैं, धनावेश पर बल लगेगा इधर, ऋणावेश पर बल लगेगा इधर, ये बल इसको इधर लाना चाहेगा, ये बल इसको इधर लाना चाहेगा। कहने का मतलब अगर इस स्थिति में द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा भी दें तो भी क्या होगा? ये पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा, पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा जहां से ये घुमाया, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है ही ऐसी प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वापस उसको अपनी स्थिति में लाएगी, वो सामान्य साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करती है। इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट घुमा दें, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दें, तो इस पर बल इस तरीके से आरोपित होते हैं कि ये घूम के क्या आ जाएगा? वापस अपनी मूल स्थिति में, जो चित्र में दिख रही है उसी स्थिति में, साम्य अवस्था में। इसको कहते हैं इसीलिए स्थाई साम्यवस्था की स्थिति, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थाई साम्यवस्था की स्थिति का मतलब होता है कि किसी को थोड़ा सा घुमा भी दोगे तो जैसे ही छोड़ोगे वापस कहां जाएगा? अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी दे दें तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसे कहती है स्थाई साम्यवस्था की स्थिति। इधर देखिए, इसको अगर थोड़ा सा घुमा दें, प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा घूम के फिर वही? नहीं, क्योंकि इसको अगर हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो प्लस पर बल लगेगा इधर, माइनस पर बल लगेगा इधर, तो ये क्या होगा? ये यहां नहीं आएगा, ये घूम के यहां पहुंच जाएगा, यानी कि हमने तो थोड़ा सा घुमाया और ये पूरा घूम जाएगा, ये वहां नहीं आएगा अपनी मूल स्थिति में, ये तो घूम ही जाएगा। इसको कहते हैं अस्थाई साम्यवस्था की स्थिति, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां वापस अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करेगा, थोड़ा सा घुमाया, छोड़ा, वापस रिटर्न, इसको बोलते हैं स्थाई साम्यवस्था। और इसको तो बहाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा घुमाया और वो ऑटोमेटिक वापस और आगे जाएगा घूम के,
इसको बोलते हैं अस्थाई साम्यवस्था की स्थिति। तो ध्यान रखें थीटा इक्वल टू जीरो पर नेट बल जीरो, बलागुण जीरो, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्थाई साम्य अवस्था की स्थिति, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 180 पर नेट बल जीरो, बलागुण जीरो, और इसको बोलते हैं अस्थाई साम्य अवस्था की स्थिति, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जीरो डिग्री पर स्थाई साम्य अवस्था, जीरो डिग्री का मतलब जब पी और ई समान दिशा में होते हैं, और 180 का मतलब जब पी और ई एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसको बोलते हैं अस्थाई साम्य अवस्था। ई इधर पी इधर जीरो डिग्री, ई इधर पी अपोजिट 180 डिग्री, और फर्स्ट चैप्टर आपका यहां समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आरवीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर था वो आपका यहां फिनिश, तो समाप्त, दी एंड। अब इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं, बाकी कुछ एग्जांपल करेंगे, बाकी आप घर करोगे, देखते हैं। तो आपकी बुक्स का न्यूमेरिकल है, एक किताब का न्यूमेरिकल है कि दो आवेश प्लस 1000 चार्ज की वैल्यू है 1000 माइक्रो कूलॉम, 2 mm दूरी 2a की वैल्यू है 2 mm दूरी, विद्युत द्विध्रुव तीव्रता है आपका 15×10^4 न्यूटन पर कूलॉम, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और आपको वलाघूर्ण निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि दो चार आवेश हैं, प्लस माइनस है, एक प्लस है 1000 माइक्रो कूलॉम, एक है माइनस 1000 माइक्रो कूलॉम, तो समझ ही जाना है परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। बीच की दूरी है 2 mm, 1000 माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में बदलोगे तो ×10^-6 कूलॉम, और इसको थोड़ा चेंज करोगे तो 10^-3 कूलॉम। 2a जो बीच की दूरी है वो 2 mm है, 2 mm का मतलब 2×10^-3 mm, तीव्रता इतनी है उसकी। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर आपको बलाघूर्ण निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले आपको q और 2a है तो p निकाल लीजिए, क्योंकि p बराबर क्या होगा q इंटू 2a, q की वैल्यू 10^-3, 2a की वैल्यू 2×10^-3, तो ओवरऑल 2×10^-6 कूलॉम इंटू मीटर, तो आपके पास p आ गया 2×10^-6 कूलॉम इंटू मीटर। निकालना क्या है, बलाघूर्ण, तो इक्वल टू क्या होता है PE साइन थीटा, P की वैल्यू 2×10^-6, E की वैल्यू 15×10^4, साइन थीटा, थीटा कितना 30, साइन 30, तो 2×10^-6 × 15×10^4, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 15×10^-2, −6 और 4 −2, तो टॉय इक्वल टू ये हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, तो टॉय इक्वल टू 15×10^-2। तो इस तरीके से आपको आए, जहां आपको इस तरीके से आवेश दे रखे हो तो समझ जाना है परिमाण समान है, एक प्लस है एक माइनस है तो द्विध्रुव है, बीच की दूरी आप सो ही करते हो 2a से तो 2a ले ली, बलागुण निकाल लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे ही अक्ष और निरक्ष पर जो तीव्रता पड़ी थी, तो हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर सूत्र पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2kp/r³, और निरक्ष पे पढ़ा था kp/r³। उस पर देखते हैं एक न्यूमेरिकल, आपकी बुक का ही है। अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता आपको आवेश दे रखे हैं, q की वैल्यू है ±5 μC, और आपको बीच का डिस्टेंस दे रखी है 1 cm, 2a की वैल्यू है आपके पास 1 cm दूरी पर, और आपको 0.30 m की दूरी पर जो r पे निकालना है, तो r की वैल्यू है 0.30 m की दूरी पर अक्ष पर निकालनी है और निरक्ष पर निकालनी है। तो अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आवेश का मान प्लस माइनस 5 μC, मैंने कहा प्लस माइनस लग गया तो समझ ही जाओ, दो आवेश हैं, एक दोनों प्रकृति विपरीत है, परिमाण समान है, μC को चेंज करोगे तो 5×10^-6 कूलम, 1 cm का मतलब हो गया 1×10^-2 m, 0.30 m, चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो,
0.30 गुणा 10 की घात 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 या 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 मीटर। अक्ष और निरक्ष पे निकालनी है तो अक्ष पे देख लीजिए पहले, अक्ष पे क्या सूत्र होता है, 2kp/r³, ये फॉर्मूला होता है अक्ष पर। p हमारे पास नहीं है तो पहले p निकाल लेते हैं, p इक्वल टू क्या होगा, q into 2a, q की वैल्यू कितनी 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, 2a की वैल्यू 10 की घात माइनस 2, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलॉम इंटू मीटर। अब अक्ष पर तीव्रता e अक्ष इक्वल टू 2, k की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, p की वैल्यू 5 गुणा 10 की घात माइनस 8, आर क्यू आर की 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 का क्यू, तो 2 इंटू 9 इंटू 5, 9 में से 8 10, 3 का 27 और 10 की घात माइनस 1 का क्यू 10 की घात माइनस 3, 9 से 3 10 बटे 3 माइनस 3 ऊपर गया प्लस 10 की घात 4, 3 3 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलॉम। समझ ही गए होंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला पता ही है, p पता ही है, q इंटू 2a से p निकाल लीजिए, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो गया, 2 k की वैल्यू वैक्यूम के लिए, p की वैल्यू आपके पास है, r की वैल्यू चाहे ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ आपकी मर्जी, q करना है, 3 का q 27 हो गया, माइनस 1 का q माइनस 3 हो गया, 9 से 27 3, 5 इंटू 2 10, 10 अपॉइंट 3, माइनस 3 ऊपर गया प्लस का 3, 1 ऑलरेडी है 4, 3 का 10 में डिवाइड 3.33 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। ये हो गई आपके अक्ष पर, और दूसरी निरक्ष पर पूछी है, तो निरक्ष पे आपके निकालने के या तो इसमें रखो kp/r³, इसमें रखो इससे निकालो, वरना मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था तब बताया था निकालने की जरूरत ही नहीं है, निरक्ष पर तीव्रता अक्ष की क्या होती है आधी, तो आधा कर दो 3.33 का 2 1.67 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया, तो 1.67 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम, ये होगी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, या kp/r³ में k में वैल्यू रखो, p में रखो, r में लिखो और फिर निकालिए, तो आपके लिए जो सुविधा की दृष्टि से सही हो वो कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है, वैल्यू दे रखी होगी, फॉर्मूला याद होगा, आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपकी किताब में जैसे न्यूमेरिकल है एक ए संभाव, एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या kq/r², बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq/r², अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें कहीं तीव्रता निकालनी हो तो उसके सदिश योग के बराबर होती है। तो आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है जिसमें यह है, एक संभाव त्रिभुज दे रखा है, ये ए ये बी ये सी, ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश और बिंदु ए संभाव है तो भुजा ए, बिंदु ए पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर, तो देखिए ए पर इसको मिटा देता हूं, अब बिंदु ए पर बी पर जो आवेश है प्लस क्यू उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ईवी डायरेक्शन ये होगी धनावेश से बाहर की ओर, सी पर प्लस क्यू है इसके कारण तीव्रता की दिशा ये होगी, बिंदु ए पर नेट तीव्रता निकालनी है, बी पर प्लस क्यू तो बाहर की ओर, सी पर प्लस क्यू बाहर की ओर, डायरेक्शन आपको दिखा दी, वैल्यू क्या होगी ईवी इक्वल टू के क्यू आवेश क्यू दूरी है तो kq/r², सी पर भी इतना ही है क्यू और दूरी है तो यही तीव्रता किसकी होगी ईसी की, बी और सी के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा kq/r², यानी कि यह तीव्रता क्या है समान है जिसका मान है kq/r², तो इसको हम ई मान लेते हैं, कोण कितना होगा ये 60 डिग्री तो ये भी कितना 60 डिग्री, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी नेट पढ़ाया हमने अंडर रूट, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि जब सदिशों का योग करना हो तो फॉर्मूला आपके पास आता है अंडर रूट p² + q² + 2pq cos θ, तो e और ev ec e के बराबर मान ली,
तो ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस टू ई स्क्वेयर और कॉस 60 डिग्री, यानी कि ई बी और ई सी की जगह ई रख दिया, तो ई स्क्वेयर ई बी स्क्वेयर का मतलब ई स्क्वेयर, ई सी स्क्वेयर का मतलब ई स्क्वेयर प्लस टू ई बी सी, तो उसका भी मतलब ई स्क्वेयर कॉस 60, ये भी ई मान लिया, ये भी ई मान लिया, तो ये हो गया एंगल कितना 60, ये 60 तो वो 60, तो ये कितना हो गया ई स्क्वेयर टू ई स्क्वेयर प्लस टू ई स्क्वेयर कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो अंडर रूट 3 ई स्क्वेयर, तो अंडर रूट 3 ई, ई की वैल्यू लगाओ तो के क्यू अपॉइन ए स्क्वेयर आंसर, वेरी सिंपल। वैसे भी हमने जो बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है उस तो वहां भी इस तरीके के न्यूमेरिकल किए हैं, ये तीव्रता के लिए है, बहुत ही आसान, आप लोग घर पे कर सकते हैं, इसकी जगह ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी सी यहां प्लस क्यू मान लो, यहां माइनस क्यू मान लो, घर आप सॉल्व करोगे होमवर्क में, बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता निकालो, मैंने बस आवेश चेंज कर दिया है, आप कर सकते हो, यहां दोनों प्लस प्लस थे, यहां मैंने एक माइनस कर दिया, माइनस करने से क्या चेंज आएगा, प्लस के कारण तीव्रता ये होगी और माइनस के कारण तीव्रता ये होगी, माइनस की ओर वैल्यू बराबर होगी, बस एंगल 60 की जगह कितना लग जाएगा 120, सॉल्व कर सकते हो, बस यहां 120 लग जाएगा आप आसानी से। आगे देखते हैं, चार पॉइंट दे दिए ए बी सी डी, डिस्टेंस ए ए ए ए, आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ज्ञात करो, कीजिए बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, दूरी बराबर, तो कर सकते हो। देखो बी पर है प्लस क्यू आवेश, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, तो प्लस क्यू बी पर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, इसको नाम दे दिया मैंने ई बी। डी पर प्लस क्यू, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, ये हो गई ई डी। ए पर भी प्लस क्यू, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर, ये हो गई ई ए। तो दिशा तो हमने लगा ली बी के कारण आउटसाइड अवे फ्रॉम द चार्ज, डी पर प्लस क्यू अवे फ्रॉम द चार्ज, ए पर प्लस क्यू अवे फ्रॉम द चार्ज। अब वैल्यू देखें, पहले ई बी और ई डी की, ई बी और ई डी के कारण जो सी पर तीव्रता होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि के क्यू आवेश समान दूरी समान, तो के क्यू अपॉइन ए स्क्वायर होगी। जब बराबर ही है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ई बी के कारण तीव्रता और डी के कारण जो तीव्रता है इसको नाम दे दिया ई, तो हम इनकी परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं, एक ये है एक ये है, ये हो गया ई ये हो गया ई। जब पर वैल्यू बराबर होती है तो परिणामी तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, बीच में से होगी, एंगल हो गया कितना 90, परिणामी तीव्रता ई आर अगर माने तो क्या होगी, ई आर इक्वल टू वही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों हमने ई और ई मानी है, तो ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस टू ई स्क्वेयर कॉस एंगल कितना 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, ई और ई टू ई स्क्वेयर, इसका मतलब अंडर रूट 2 ई, तो इन दोनों की परिणामी तीव्रता क्या होगी, ई आर कहां से निकलेगी, बीच में से 45 डिग्री पर, तो ई बी और ई डी वैल्यू में बराबर थी, इन दोनों की परिणामी तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल ली, साइन 90 एक होते बाबरे कॉस 90 जीरो, तो अंडर रूट 2 ई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ई आर इक्वल टू अंडर रूट 2 ई, तो यानी कि परिणामी तीव्रता की दिशा ये होगी, दोनों के मध्य में से वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2 ई।
अब जो ई आर है इसकी दिशा इधर, ई ए की दिशा भी इधर, तो ई आर की दिशा कहां होगी? इस डायरेक्शन में। तो बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता यानी कि नेट इक्वल टू, जब समान दिशा है तो जोड़ दो ई ए प्लस ई आर, ई ए भी धरी है ई आर भी धरी है, जोड़ दिया। ई ए की वैल्यू कितनी? ई ए हमने निकाला ही नहीं है, ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉइन ये दूरी, ये ए तो ये दूरी कितनी होगी? ए रूट टू, तो ए रूट टू का स्क्वायर, तो के क्यू अपॉइन रूट टू का स्क्वायर टू, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉइन टू ए स्क्वायर, ई आर की वैल्यू रूट टू और ई की जगह के क्यू अपॉइन ए स्क्वायर, तो रूट टू के क्यू अपॉइन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉइन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा भैया? वन अपॉइन टू प्लस अंडर रूट टू आंसर। तो अगर इस तरीके से आपको पूछा जाए, परिणामी तीव्रता पूछी जाए, डायरेक्शन देखनी, बी और बी की डायरेक्शन धनावेश के कारण धनावेश से दूर, ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर, यहां सब प्लस है तो सबसे अवे फ्रॉम द चार्ज। ईवी और ईडी की तीव्रता बराबर है, तीव्रता बराबर है तो परिणामी तीव्रता होगी अंडर रूट टू ई, डायरेक्शन होगी बीच में से, समान होती है तो बीच में से निकलेगी, 90 डिग्री है तो 45 से निकलेगी, तो यानी कि ई आर और ई ए की दिशा समान, ई ए ये दूरी होगी ए रूट टू, दोनों समान दिशा में है तो जोड़ दी, जोड़ दी तो आपके पास आंसर आ गया। वेरी गुड, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। आपके पास आवेश है एक माइक्रोकूलम, एक है -2 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है इनके मध्य में स्थित बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मिड पॉइंट मान लिया यहां P, तो आपको बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट तीव्रता पूछी जाती है। 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो इनके मध्य में स्थित बिंदु पर सेंट्रल पॉइंट मान लिया मैंने P, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेंटर पे पूछ रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, नेट कितनी होगी? नेट तीव्रता एट पॉइंट पी। तो देखिए ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, इसको मान लेते हैं R, तो R इक्वल टू कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 का मतलब कितना? 10^-2 मीटर। ये मान लिया पहला चार्ज Q1 और ये मान लिया दूसरा चार्ज Q2। तो देखिए Q1 1 माइक्रोकूलम में फर्स्ट चार्ज मान लिया ये, सेकेंड चार्ज मान लिया ये, Q1 1 माइक्रोकूलम, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 इक्वल टू के Q1, बीच की दूरी R, तो R स्क्वायर। डायरेक्शन कहाँ होगी? धनावेश है, धनावेश के कारण धनावेश से दूर, E1 की डायरेक्शन हो गई, यानी कि Q1 इक्वल टू हमने माना 1 माइक्रोकूलम 1×10^-6 कूलम, डायरेक्शन धनावेश से दूर। अब ये -2 माइक्रोकूलम Q2 माना मैंने -2 माइक्रोकूलम यानी कि 2×10^-6 कूलम, ऋणावेश के कारण P पर तीव्रता की दिशा वैल्यू होगी E2 के Q2 दूरी, ये भी एक, ये भी एक, ये भी R, ये भी R, तो के क्यू अपॉइंट के Q2 अपॉइंट R स्क्वायर। डायरेक्शन ऋणावेश के कारण होती है ऋणावेश की ओर, धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, दोनों किस दिशा में आ गई? समान दिशा में। तो परिणामी तीव्रता वेरी सिंपल, E1 प्लस E2 KQ1 अपॉइन R स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉइन R स्क्वायर, K अपॉइन R स्क्वायर बाहर अंदर Q1 प्लस Q2,
वैक्यूम या एयर हो तो 9 गुणा 10 की घात 9, आर स्क्वेयर 10 की घात माइनस 2 का स्क्वेयर 10 की घात माइनस 4, क्यू वन की वैल्यू 1 माइक्रो कूलॉम तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 6, क्यू टू की माइनस 2, माइनस मन लगा देना फिर तो दिक्कत हो जाएगी, घट जाएगा आवेश। माइनस से केवल दिशा पे फर्क था, ओनली डायरेक्शन पे फर्क था, तो Q2 की वैल्यू ये लगानी है, माइनस लगा दिया तो आंसर गलत, माइनस से केवल दिशा बदलती है, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 सॉल्व कर लो। 1 और 2 3, 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 इंटू 3 27, माइनस 4 ऊपर 13, 13 में से 6 7, तो 27 इंटू 10 की पावर 7 तीव्रता निकाली तो न्यूटन पर कूलॉम, तो 27 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलॉम। वेरी सिंपल, ऐसे सवाल हमने बल में भी किए थे कि मध्य पर परिणामी बल ज्ञात करो, केवल डायरेक्शन का फर्क है तो धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर, परिणामी तीव्रता आ गई, ये दिशा कहाँ होगी, दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश तथा ऋणावेश की ओर, along the line joining of two charge towards the negative charge, ऋणावेश की ओर दिशा होगी, दोनों समान दिशा में और दिशा कहाँ है, माइनस की ओर।